अभी हम कुंड में एंट्री लेने वाले हैं, देखते क्या होता है। कंज्यूम करके अबे मर रहा है यार, अबे मेरे को पार कराओगे मर रहा मेरे को। गहरा है, मतलब हम लोग की हाइट क्या है, हम लोग दिक्कत नहीं है और ठंडा बहुत ज्यादा है। बाकी तुम आ जाओ, बहुत मजा आ रही है, हम कूदेंगे। आप यहाँ जाइएगा, स्नान जरूर करिएगा, बहुत मजा आ रही है। एक घंटा हो गया है और निकलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत मजा आ रही है। हम तीन लोग अभी हैं और पांच लोग निकल गए और काफी बढ़िया मजा आ रही है। नीचे कुआं टाइप है, काफी जो गहरा है, वहां से पानी आता है और आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग नहा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पूरा सेफ्टी के लिए बैरिकेडिंग की गई है। और देखिए यहाँ तक का हाइट जो पानी का मेरे बराबर है, मतलब हम लोग नहा सकते हैं और जो हमसे छोटे हैं वो लोग नहीं नहा पाएंगे। तो अगर खतरा भी है बट दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर है तो हमारे काफी दोस्त जो कम हाइट थे वो भी नहा लिए थे। और यहाँ पर आप आइएगा तो जरूर नहाइएगा, बहुत ज़्यादा मजा आती है। और चलिए हम थोड़ा और नहा के आपको दिखाते हैं कैसे नहाते हैं यहाँ पर। ऐसे आना होता है, फिर देखिए अब आपको आना है वापस, तो ऐसे प्रॉपर आना है, आप डूबेंगे नहीं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर आपको पकड़ना है। ओके अभी हम जस्ट नहा के निकले हैं और देखिए बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। हम पूरे दो घंटे नहाए और अभी 3:15 बज रहे हैं और बढ़िया अच्छी हवा चल रही है, देखिए कितना बढ़िया माहौल है। और भाई आपको बताओ कैसा लगा? इंटरटेनमेंट फुल ऑन, सिंपल सी बात है, बहुत मज़ा आया। ये देखिए पूरा माहौल कितना बढ़िया है। तो अभी हमने क्या बोलते कपड़े चेंज कर लिए और अभी आगे चल रहे हैं। अब आपको पूरा आश्रम घुमाते हैं। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर गोकुल गांव है, अगर हमें वहाँ मौका मिला तो वहाँ पर जाएंगे। हालांकि पूरा रीजन गोकुल में आता है बट जहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर देखते हैं, मगर मौका मिला टाइम रहा तो जाएंगे। बाकी अभी यहाँ पर चलते हैं, भंडारा भंडारा होता है। दो घंटे नहाने के बाद जो भी मज़ा आ रही है, एकदम माइंड फ्रेश, एकदम सब कुछ, काफ़ी थकावट लगी बट बहुत मज़ा आया। और देखिए बच्चे बच्चे बढ़िया नहा रहे हैं, काफ़ी सही जगह है। और ये देखिए पूरा एक पार्क टाइप का प्रांगण है और नीचे पूरी रेत है। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पर लोग झूला झूल रहे हैं और हम भी चलते हैं कुछ
एंजॉय करते हैं। आओ, बड़ा मजा आएगा एंजॉय करने में। पूरा काम धेनु मार्ग अंदर शायद है, यहाँ पर शायद गाय पालते हैं, गौशाला वगैरह होगी। और ये देखिए पूरा खेतों का इलाका है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्विंग्स जो कि पूरा वॉल पर बनाई गई है, कितना शानदार तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और उसे पूरा अच्छे से दिखाया गया है। आप यहाँ पर आइएगा तो आप सब कुछ घूमिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक होता है ना, आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रॉपर आपको यहाँ पर वर्णन दिखेगा। ये देखिए आप एक पूरा जो कुटिया देख रहे हैं, पूरा पूरा गोबर से इसका लेपन किया गया है दीवारों पर, और इससे अंदर का जो टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जो हंस का यहाँ पर वध किए थे बकासुर, और ये आपको दिखाते हैं जो दोनों पेड़ थे और उसका चित्रण किया गया है, जो दो पेड़ पर उनको ओखली से बांध दिया गया था भगवान श्री कृष्ण को। ये देखिए ये क्या है, ये कोई राक्षस था, ये भी कोई राक्षस था जिसको भगवान ने इसका वध किया था। तो पूरा ऐसे ही यहाँ पर हर जगह चित्रण किया गया है। आइए आगे चल रहे हैं हम लोग भंडारे के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया से कुटिया बनाई गई है, लोग यहाँ पर आके ये देखिए यहाँ पर चलता है भंडारा, लेकिन इसका भी टाइमिंग होता है और अभी ये बंद है। चलिए हम लोग कभी फिर आएंगे तो फिर यहाँ पर प्रसाद खा लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ भंडारा होता है, यहाँ पर लोग खाते भी हैं, और देखिए पूरा यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, लोग विश्राम भी करते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, पूरा आश्रम का प्रांगण है, यहाँ पर कथा भी होती है और भंडारा भी है, स्नान करने की व्यवस्था भी है, हर चीज़ यहाँ पर है। आप आके यहाँ पूरा एक दिन अपना दे सकते हैं, और जब यहाँ से आप वापस जाएंगे तो आपको वाकई में एक आत्मिक शांति प्राप्त होगी। ये देखिए कितना हमारे देसी स्टाइल में, प्राचीन स्टाइल में घर बने हुए हैं, अच्छे से मेंटेन किए गए हैं, और इसमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है सर्दियों में भी गर्मियों में भी। इन सब घरों को बोलते हैं वैदिक विधि से, ये पूरा घर वैदिक विधि से बनाया जाता है, और इसमें जो प्लास्टर भी होता है उसको वैदिक विधि से हम लोग लगाते हैं। आपको प्लास्टर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये भी आप देख रहे हैं। हम आ गए हैं उस पूरे काफ़ी बड़े प्रांगण में जहाँ पर सत्संग होता है, और यहाँ पर महात्मा लोग अपनी कथा और प्रवचन देते हैं। और देखिए कितना बढ़िया से, और अभी इसका शायद कुछ टाइमिंग होता है तो काफ़ी लोग आ भी गए हैं, यहाँ पर देखिए विश्राम कर रहे हैं, और हमें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम लोग अब यहाँ से आश्रम से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और घूमते हैं। आइए कुछ आगे और दिखाते हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं गौशाला, यहाँ पर बहुत सारी गायें यहाँ पर देखिए चारा खा रही हैं। देखिए ऐसी कुटिया है जहाँ संत महात्मा लोग रहते हैं, ये देखिए गाय चारा खा रही हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए ये भी कोई कुटिया, बड़ी कुटिया है, कितना बढ़िया लग रहा है। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और। ये देखिए इस साइड में आपको दो हाथी की आपको प्रतिमा दिख रही होगी। तो अभी ये पूरा हम यहाँ से इसका दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। और आइए भाई चलते हैं, और बताइए आपको यहाँ पूरा कैसा लगा देखने में, कैसा आपको फील हुआ? काफ़ी शांत जगह है, मन एकदम पवित्र हो जाता है।
और हम लोग को सबसे ज्यादा मजा स्नान करने में आया। स्नान का तो आप मत पूछिए, उसमें जो मजा है ना वो कुछ नहीं है यार, बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना बड़ा फैन आपको दिखाता हूँ, कितना बड़ा फैन है, अच्छी खासी हवा देता होगा ताकि लोगों को भी गर्मी ना लगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी जगह है। आप अगर कभी भी क्या बोलते हैं मथुरा दर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर अपना पूरा आधा दिन कम से कम पक्का दीजिएगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है। और रमन रमन रेती में आके स्नान नहीं किया तो फिर क्या मजा। और क्या, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बाल समय में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में, सखा बंधुओं और अपने बलदाव भैया के साथ में पूरा यहाँ पर खेला करते थे। तो बेसिकली इसको पूरा एक आश्रम में तब्दील कर दिया गया है और जो कि बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आश्रम के सामने एक हिरन पार्क है और अभी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ खरगोश और देखिए ये मोर हैं, काफ़ी बतख है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ हिरन। ये देखिए हंस हैं, कितने बड़े बड़े हंस हैं, और आपको दिखाता हूँ ये देखिए बतख, और देखिए देखिए वहाँ पर बीचों बीच देखिए कितने हिरन हैं, आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे हिरन हैं। तो यहाँ पर लोग उन्हें दाना, सारे जीवों को दाना खिलाते हैं। क्या है तब, ये हंस नहीं है, माफ करिएगा, ये एक बतख है और ये देखिए काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये आप देख लीजिए देखिए कितने लोग यहाँ से देख रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और आई होप आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस ब्लॉग को पूरा देखने में। और देखिए सभी लोग थे, हम लोग इतने लोग आए थे, आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।